उत्तराखंड में 400 से ज्यादा मदरसे हैं। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं, बस उन्हें सरकार से अनुमति का इंतजार है। संस्कृत को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून का कहना है कि इस योजना पर वह लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदरसा जाने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं, इसी को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा जरूरी है, लेकिन बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहिए या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। मदरसे हर दिन धार्मिक शिक्षा के लिए 1 घंटा रख सकते हैं। पूरे दिन धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने से और उन्हें कुछ और नहीं सीखने देने से वे अपंग हो जाएंगे। बता दें कि 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को पत्र लिखा था। इस पत्र के अनुसार मदरसों को दिए जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए, ये राइट टू एजुकेशन नियमों का पालन नहीं करते हैं। आयोग ने कहा कि मदरसों का पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती और वे बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें।